नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल RDA Magic में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के जनक कौन है, इतिहास को किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, उसी के आगे आज हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से प्राचीन इतिहास को शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इतिहास। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने कहा कि इतिहास के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये नहीं पढ़ा था हमने। तो इतिहास क्या है, आप बहुत सिस्टमैटिक समझना। हमने कहा भूतकाल में घटित किसी भी घटना का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इतिहास क्या है, तो आपने आसानी से बता दिया कि इतिहास किसे कहेंगे। इतिहास का मतलब होता है भूतकाल में घटित ऐसी सभी घटनाओं का जिनका हम साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट इतिहास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके साक्ष्य ना हो। अगर किसी वस्तु का कोई भी विषय है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस दैट इज इट हिस्ट्री और इज इट। अब आपको पता है क्या ये इतिहास है। अगर आप इतिहास की बात करेंगे, इट मीन्स दैट देयर शुड बी सम प्रूफ अबाउट दैट। आपके पास कुछ साक्ष्य होने चाहिए, कुछ लिखित चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इतिहास का अध्ययन किया जाता है, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, या किसी भी विषय को इतिहास का दर्जा देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, या इतिहास को डिवाइड करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इतिहास को तीन खंडों में बांट कर पढ़ते हैं, तो इसका डिवीजन किसके बेस पे हुआ है, आखिर इतिहास को तीन खंडों में क्यों बांटा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहली बात आपको देखना है कि कोई भी इतिहास हो, जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो हमेशा याद रखना इतिहास का अध्ययन दो तथ्यों पर किया जाता है। एक क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे लिखित साक्ष्य, यानी कि अगर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास किसका होना अनिवार्य है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों का होना अनिवार्य है, लिखित साक्ष्यों का होना अनिवार्य है। अगर हमारे पास पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य नहीं है और हम कोई भी स्टोरी बताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज अ लिटरेचर, यानी जिसके लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, तो उसे हम क्या मानते हैं, साहित्य मानते हैं, ना कि हम उसे इतिहास मानते हैं।
जैसे कि बहुत सारे भारतीय ग्रंथ पुराण हैं, अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में अगर सबसे प्राचीनतम साहित्य कहीं पर उपलब्ध है तो वो कहाँ है? भारत में। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक या विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, आपने पढ़ रखा है। लेकिन ऋग्वेद को कभी भी हम हिस्ट्री नहीं कहते। हिस्ट्री पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। लगभग कब लिखी गई थी? 450 ईसा पूर्व। अगर एक मान्यता के अनुसार देखें तो लगभग जो अप्रोक्सीमेट मान्यता है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व का है। उन्होंने ज्योतिष गणना के अनुसार ये अनुमान लगाया कि जो ऋग्वेद है वो 6000 ईसा पूर्व का है। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका 450 ईसा पूर्व लिखी गई। यानी कि ऋग्वेद जो है वो हिस्टोरिका से पहले लिखा गया, लेकिन दैट इज नॉट अ हिस्टोरिकल बुक। द रीजन इज दैट कि उसका कारण ये है कि उसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, बहुत सारे साक्ष्य नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी भी पॉइंट को, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना इतिहास तभी होगी जब उसके पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य होंगे, और इन्हीं के आधार पर इतिहास को डिवाइड किया गया है। आपसे पूछा जाए कि इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो इतिहास का विभाजन लिपि के आधार पर किया गया है। पॉइंट पूछा गया था क्वेश्चन में कि इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? लिपि के आधार पर। यानी हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट, ठीक, लिपियों के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब आपसे कह दिया जाए, अब ये हो गया, तो अब आपसे किसी ने कहा कि इतिहास का अध्ययन किसके आधार पर होता है, आप इजीली बता सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों एवं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। अब पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हो गया? तो जैसे आपके पास बहुत सारे हैं, अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे सिक्कों के सिक्के हो गए आपके पुरातात्विक साक्ष्य, मृदभांड हो जाएंगे पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के हैं, मृदभांड हैं, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन हो गए। इसके बाद टीले हो जाएंगे। आपसे कह दिया जाए शिलालेख, अभिलेख, ये भी हो जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, टीले हो गए, आदि ये किसकी किसकी श्रेणी में आते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के। लेकिन यहीं पर आपसे कह दिया जाए, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी जो पुस्तक है अथवा कोई पुस्तक है, तो ये किसकी श्रेणी में आएगी? लिखित साक्ष्य की श्रेणी में आ जाएगी। तो इतिहास का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्यों के एग्जाम्पल क्या हो गए? सिक्के, मृदभांड, टीले और भी बहुत सारी चीजें। लिखित में क्या हो गया? कोई पुस्तक हो गई या कोई ग्रंथ हो गए। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन हमने अभी यहाँ बताया कि इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो इतिहास का विभाजन किया गया है लिपि के आधार पर। अब इसी के आगे देखते हैं, अब संपूर्ण इतिहास को हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा था? आपने पढ़ा था कि जो इतिहास है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन सा हो गया? प्राचीन इतिहास हो जाएगा। फिर आपसे कह दिया जाए मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपका कौन सा हो जाएगा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमें पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? प्राचीन इतिहास।
अगर देखें तो प्राचीन इतिहास को हम लोग फिर से कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ऐतिहासिक काल सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यहीं से कई बार पेपर में पूछे गए हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे या ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। तो अगर देखा जाए प्रागैतिहासिक काल की अगर आप बात करेंगे या आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें या ऐतिहासिक की, तो बहुत सरल भाषा में समझना, हम इसमें कहें तो हमने कहा इतिहास का अध्ययन किसके आधार पर किया गया है, तो सब जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों एवं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। तो बिल्कुल आसानी से आप देखिए, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य तो लगभग लगभग सबके मिल जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं और इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि देखा जाए कि इतिहास के इन 3 कालखंडों में एक चीज कॉमन है कि सब में पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। अब दूसरा पॉइंट देखें, पहला पॉइंट तो सब में कॉमन है, सेकेंड पॉइंट देखें तो यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य होना चाहिए तो लिखित साक्ष्य इसमें क्या है, नहीं पाए गए, लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए। यहीं से आपका आंसर भी बन जाएगा, तो लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए, इसमें देखें तो लिखित साक्ष्य पाए गए हैं, लिखित साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। और लास्ट में आपसे कह दिया जाए लिखित साक्ष्य पाए गए हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है तो ये हो गया। इसी से अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहोगे, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहोगे या आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक काल किसे कहोगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा कि जो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में एक चीज कॉमन है कि सब जगह पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन सब में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसका हो रहा है, साहित्यिक साक्ष्य का यानी लिखित साक्ष्य का। तो आपको बस इस तरह से व्यक्त करना है, इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो पाए गए हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर समझिएगा, इतिहास के जिस कालखंड के लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए या जिस कालखंड से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास का वह कालखंड जिससे लिखित
एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। और सरल भाषा में इसे हम कहें तो जिस कालखंड से लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त हो लेकिन पढ़ा ना जा सके, आदि ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और पढ़े भी जा सकते हैं। ऐतिहासिक काल बिल्कुल आसान सा तरीका था कि अगर आपसे किसी ने पूछा प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या ऐतिहासिक किसे कहेंगे, आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है और इनसे आपके पेपर में कभी ना कभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि प्रागैतिहासिक काल में किसे रखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यताएं आती हैं और ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है। तो आपको बहुत सरलता से याद रखना है, जो पाषाण काल है इसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो पाषाण काल किसकी श्रेणी में आएगा, प्रागैतिहासिक काल आएगा। या हम यूं कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पाषाण काल तक या नव पाषाण काल तक का जो समय है उसे हम किसे कहें, किसकी श्रेणी में रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में। आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में जो खासकर सभ्यताएं रखी जाती हैं तो दो तरह की सभ्यताएं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में रखी गई है। और बाकी वैदिक सभ्यता के बाद जितना भी इतिहास है आज तक, यानी वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर आज तक का जो भी इतिहास है वो किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। पेपर में अगर पूछ ले कि वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है या प्राग ऐतिहासिक है, तो आपको बताना होगा आद्य ऐतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, आद्य ऐतिहासिक है। पाषाण काल किस प्रकार की सभ्यता है, प्राग ऐतिहासिक है। या आपसे कह दिया जाए मानव की उत्पत्ति से लेकर पाषाण काल तक की सभ्यता किसके अंतर्गत रखी जाएगी, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी जाएगी। ये आप थोड़ी बात समझने, अब अगर देखें तो यहाँ पर समयावधि अगर प्राग ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक के हिसाब से देखेंगे तो भारत के बेस पे देखेंगे तो हम लोग क्या होता है 5 लाख, कई जगह पर 3 लाख भी होता है। 5 लाख से आपका जो 2500 तक, 2500 ईसा पूर्व जगह पर 6000 ईसा पूर्व भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना। 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक की सब जो समयावधि है वो किसके अंतर्गत आती है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक में अगर देखें तो 2500 अथवा कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से लेकर के आपसे कह दिया जाए 600 ईसा पूर्व तक की जो समयावधि होती है इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर जो 600 से लेकर के 600 से लेकर के अब तक की जो सभ्यता है 600 ईसा पूर्व से अब तक जो सभ्यता है वो किसके अंतर्गत आएगी, ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगी। तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप सिविल मेंस में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लिखने होंगे, डिस्क्राइब करना होगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। तब अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को 200 शब्दों में 50 शब्दों में डिक्टेट करने में सक्षम होंगे। तो आगे देखते हैं, अब ये हो गया तो आज आपको ये बेसिक तो क्लियर हो गए। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं तो हम लोग क्या होता है प्रागैतिहासिक काल से
शुरू करेंगे और प्रागैतिहासिक काल का मतलब हो गया हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो ये तो बेसिक था इतिहास का, अब इसी में पाषाण काल शुरू करते हैं। अब देखते हैं, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इतिहास की बात करें या पाषाण काल की खोज की बात करें, तो हम लोग अगर बेसिकली यहाँ पर आएंगे पाषाण काल या स्टोन एज में, पाषाण काल या स्टोन एज, पाषाण काल या स्टोन एज, इसी को पैलियोलिथिक भी कह सकते हैं आपसे, लेकिन आपको बस इतना समझना पाषाण काल या स्टोन एज। पहले आपसे अगर पूछा जाए कि पाषाण काल या स्टोन एज इसे क्यों कहा जाता है, तो ये भी समझ लेना इतिहास का वही कालखंड जिसमें मनुष्य के अधिकतर कार्य किसके किससे संपन्न होते थे, पत्थरों से, यानी मानव के जीवन में पत्थरों का महत्वपूर्ण योगदान होता था, यानी मनुष्य पत्थरों के घरों में निवास करते थे, शिकार पत्थरों के माध्यम से करते थे, यानी ज़्यादातर जहाँ पर मनुष्य निवास करते थे, मान लीजिए मनुष्य का निवास मनुष्य है और ये निवास स्थान है इनका, तो इधर पत्थर इधर यानी कि पत्थरों की गुफाओं में ही रहने लगा, या जहाँ पर रहता था तो वहीं पर चारों तरफ इन्होंने क्या इकट्ठा कर लिए पत्थर, ताकि कोई भी जीव जंतु इन पर हमला ना कर सके। दूसरा कारण कि ये लोग जो भी शिकार करने के लिए औजार या हथियार प्रयोग करते थे वो सब किसके निर्मित होते थे, पत्थरों से निर्मित होते थे, यानी इनके मनुष्यों के जो महत्वपूर्ण कार्य थे या हम कहें जीवन के अधिकांश कार्य थे वो सारे के सारे किससे संपन्न होते थे, स्टोन यानी पत्थर से संपन्न होते थे, इसीलिए हम इस काल को स्टोन एज या पाषाण काल कहते। आई बात समझ क्लियर हुआ, आगे देखते हैं, यानी कि ये क्या हो गया स्टोन एज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज स्टोन एज, तो आप इजीली डिक्टेट कर सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जहाँ पर मनुष्यों का अधिकतर कार्य किसके माध्यम से संपन्न होता था, पत्थरों के माध्यम से, या जहाँ पर मनुष्य के जीवन में पत्थरों का अहम योगदान था, उस कालखंड को पाषाण काल कहते हैं। अगर देखें तो भारत में पाषाण काल की बात करें, तो सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल की जो खोज हुई थी वो 1842 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज थे, एक डॉक्टर प्राइम रोज नामक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कर्नाटक के रायचूर ज़िले में, डॉक्टर प्राइम रोज ने क्या किया कि कर्नाटक के रायचूर ज़िले में कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए। तो ये हो गया, तो सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में क्या हो गया 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगर नामक स्थान से कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए। और ये पाषाण उपकरण कौन थे,
तीर का फलक एवं छुरा था। तो यहाँ पर ये पाषाण उपकरण कौन थे, एक तो उनको पत्थर का छुरा मिला और जो दूसरा था वो तीर का फलक प्राप्त। तो अगर देखा जाए कि भारत में सर्वप्रथम अगर देखें पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो सर्वप्रथम भारत के जो भारत में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए वो कहाँ से, कर्नाटक के लिंगसूगर नामक जगह से। किस जिले में, रायचूर जिले में। किसने प्राप्त किए थे, डॉक्टर प्राइम रोज ने। एक बेसिक क्वेश्चन हम ऊपर आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक पाषाणकालीन अनुसंधान किसने किया है, सर्वाधिक पाषाणकालीन अनुसंधान अगर देखा जाए यानी खोज किसने की है, अनुसंधान एसडी संकालिया ने की है। एसडी संकालिया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर्वाधिक पाषाण उपकरण किसने क्या था, अनुसंधान किसने किए हैं, तो एसडी संकालिया ने किए हैं। अगर पाषाण काल के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट है। ये तो पहला हो गया, फिर 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय, जॉन इवांस महोदय, यानी क्या हो गया कि 1800 आपसे देखा जाए कि 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय ने नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर नामक स्थान में बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर कह दिया जाए 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय ने नर्मदा नदी तट पर, नर्मदा नदी तट पर, नर्मदा नदी तट पर टी नरसिंहपुर नामक स्थान से, नामक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त की। अब ये हो गया, लेकिन जो मेन था आपका ये है 1862 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पलवरम नामक स्थान से, एक पाषाण हैंडेक्स प्राप्त किया, पाषाण हैंड एक्स प्राप्त किया। और इन्हें जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, इनमें नोट लिख देना, इन्हें ही पाषाण काल का जनक कहते हैं, इन्हें पाषाण काल का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपके पेपर में ये पूछा भी जा चुका है। तो करिया जाए पाषाण काल का जनक किसे कहते हैं, तो आपसे करिया जाए रॉबर्ट ब्रूसफुट का। और ये क्या थे, ये कोई पुरातत्व वेता नहीं थे। कि अगर आपसे करिया जाए दूसरी बात, यह भूगर्भ वेता थे, यह भूगर्भ
वेता थी, यानी किसके सदस्य थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अथवा कई बार पेपर को GSI पूछ लेता है, अथवा ये GSI के सदस्य थे। तो आपको बेसिक क्वेश्चन याद रखने हैं। हमने कहा कि हम छोटे से छोटा एग्जाम या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, हमारी कोशिश होगी कि आपको सारी चीजें यहीं से मिल जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। फिर इसके आगे क्या हो गया, 1884 ईस्वी में विलियम किंग नामक किंग के द्वारा, इसी के आगे देखें अगला पॉइंट। फिर 1884 ईस्वी में विलियम किंग के द्वारा अतरीपक्कम अतरीपक्कम नामक स्थान से हैंडेक्स की खोज की गई। तो क्या हो गया, 1884 ईस्वी में अगर कह दिया जाए विलियम किंग द्वारा अतरीपक्कम नामक स्थान से हैंडेक्स की खोज की गई, तो ये भी महत्वपूर्ण था। एक इसमें अगर आप और देखना चाहें तो अगर आपसे कह दिया जाए 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक दल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक दल ने शिवालिक पहाड़ी में येल यूनिवर्सिटी के एक दल ने शिवालिक पहाड़ी के कोतवाल के पठार से पाषाण उपकरण प्राप्त किए। तो ये क्या हुआ, ये तो पाषाण कालीन खोज थी। तो यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कोतवाल के पठार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या था है? खोज की। तो आपसे अगर देखा जाए कि पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक अनुसंधान किसने किए, सर्वाधिक खोज किसने की, एसडी संगालिया ने। सर्वप्रथम क्या होता है, अगर कह दिया जाए सर्वप्रथम पाषाण कालीन उपकरण किसने प्राप्त किए थे, डॉक्टर पाइनोज ने। कहाँ से प्राप्त किया था, लिंग सुगर नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था, किया था छुराया तीर। आपके स्पीसीज की परीक्षाओं में जो पाषाण काल से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि फला उपकरण कहाँ से प्राप्त किया गया, या कहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य हैं, या कुम्हार की गुफा को गुफा किसे कहते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यही आपके लिए महत्वपूर्ण है और बेसिक पॉइंट्स हम आपको क्लियर करा रहे हैं। अब देखा जाए कि
जालिवांस महोदय ने कहां पर क्या था पाषाण उपकरण प्राप्त किए? नर्मदा नदी तट पर डी नरसिंहपुर नामक स्थान से। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहां से प्राप्त किया? पलवरम से। क्या प्राप्त किया था? एक हैंड एक्स। पाषाण काल का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहेंगे। यह किसके सदस्य थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या GSI के सदस्य थे। और इनमें देखा जाए तो यह एक भूगर्भ वेता थी। अठा क्या होता है? अदनी पक्कम से हैंडेक्स की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने। और देखा जाए शिवालिक पहाड़ियों में पोद्वार के पठार से पाषाणकालीन उपकरण किसने प्राप्त किए थे? एल यूनिवर्सिटी के एक अभियान दल ने। और ये किसके नेतृत्व में यहाँ पर आए थे? डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में। तो ये तो पाषाण काल से संबंधित कुछ खोज हो गई, यानी कि कहाँ से कौन से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, तो ये उपकरणों की बात हो गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखा जाए पाषाण काल देखें, पाषाण काल में भी इस पाषाण काल को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो पूरा का पूरा पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन से तीन भाग हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसके बाद नवपाषाण काल, तीन बनते हैं। ये हो गया। तो अगर आपसे कह दिया जाए पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक, तो यहाँ पर अथवा इसको पूछ भी लेता है, तो ये क्या हो गया? पैलियोलिथिक, पेपर में पूछ लेता पूरा पाषाण काल का निनाम, मध्य पाषाण काल का मीसोलिथिक, और इसे नियोलिथिक। ये हो गया। अब अगर देखें तो इनका टाइम पीरियड देख ले, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 5 लाख से लेकर के अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और ये क्या हो जाएगा? आपसे कह दिया जाए 10,000 से आपसे 8,000 ईसा पूर्व, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह है, विश्व में तो 9,000 से माना जाता है, लेकिन अथवा भारत में 8 ना दे करके कई बार 7 दे देता है, 10 से 7,000। तो ये 7,000 ये क्या हो जाएगा? 9,000 किस में माना जाता है? विश्व में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं डेटा, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो 7,000 से लेकर के ये क्या हो जाएगा आपसे? आपका 2500 ईसा पूर्व तक, तो ये हो जाएगा आपका। अब अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बेस पर अगर देखें तो 10,000 से 8,000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ना हो तो अथवा करके 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑल द एजेस, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया। अब अगेन अगर आप देखिए फिर से, तो पूरा पाषाण काल को हम फिर से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, कौन कौन सा? पुरापाषाण काल देखा जाए तो पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो पाषाण काल में भी तीन पार्ट होंगे, यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यानी क्या हो जाएगा, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। तो यानी क्या हो गया, लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक एज हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो टाइम पीरियड ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज क्या हो जाएगा, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल और ये 50,000 से आपका क्या हो जाएगा, 40,000 ईसा पूर्व। ये मध्य पुरापाषाण काल है और इसी में हम लोग देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 40,000 से लेकर के 10,000 तक आपका क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल हो जाएगा। तो दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ द स्टोन एज। जो स्टोन एज है उसको यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का अन्य नाम पैलियोलिथिक एज, पैलियो का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। यानी कि अगर आपसे देखा जाए किससे मिलकर, यानी प्राचीन जो है, पैलियो मतलब प्राचीन और लिथिक मतलब क्या हो गया, पत्थर। यानी कि जहां जहां पर लिथिक लग गया उसका मतलब क्या हो गया, दैट एज इज रिलेटेड टू स्टोन एज। तो ये हो गया। तो हमने कहा पुरापाषाण काल का अन्य नाम पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल का मीसोलिथिक और नवपाषाण काल का नियोलिथिक। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑल द एजेस? तो आपको पता है कि पुरापाषाण काल 5 लाख से 1,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 1,000 से 800 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। बाय द वे हमने कहा विश्व में पूछता है तो 9,000 से 2,500 है और ये नहीं है तो ये हो जाएगा, ये नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगेन पैलियोलिथिक एज डिवाइडेड इन थ्री पीरियड्स, पैलियोलिथिक को फिर से 3 पार्ट में बांट सकते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। इसी को इंग्लिश में लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। अब निम्न पुरापाषाण काल की समयावधि क्या है, 5 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये हो गई, तो ये तो हो गए आपसे कह दिया जाए पाषाण काल के डिवाइडेशन, पाषाण काल को किस तरह से कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल किसे कहेंगे, मध्य पुरापाषाण काल किसे कहेंगे, उच्च पुरापाषाण काल किसे कहेंगे, इनकी क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं क्या है, इनसे इनके साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, इनसे संबंधित उपकरण कौन है या इनसे संबंधित आपके भूगर्भ वेता या पुरातत्व वेता कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।